प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आंगनवाड़ी की नौकरी दिलाने के बहाने एक महिला के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। तमंचे के बल पर हुए गैंगरेप की घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत अगवानपुर का है, जहां पर एक महिला अपने मायके में रह रही थी। पीड़ित महिला के अनुसार उसके घर पर मुर्तजा नाम के शख्स का आना जाना था। पीड़िता की मां ने मुर्तजा से उसकी नौकरी लगाने के लिए कहा। पीड़िता के अनुसार मुर्तजा आंगनवाड़ी में नौकरी लगाने का झांसा देते हुए शाम के समय उसे अपने साथ एक दरगाह के पीछे जंगल में ले गया, जहां पर उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ बलात्कार किया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस के द्वारा उसकी नहीं सुनी जा रही और वह थाने के चक्कर लगाकर परेशान हो चुकी। पीड़िता ने न्याय न मिलने पर खुदकुशी करने की भी धमकी दी है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़िता के द्वारा शिकायत की गई है और उसकी तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे सजा दिलाई जाएगी। मुरादाबाद के एसपी के अनुसार एक महिला को नौकरी का झांसा देकर बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दो लोगों के नाम बताए हैं। बलात्कार का मुकदमा लिखने के बाद तथ्यों के आधार पर विधिवत कार्यवाही की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ? जी मेरे साथ मेरे शौहर से काफी टाइम से मतलब लड़ाई दंगे मतलब ऐसी चल रहा है। मुझे 1.5 साल हो गया है, अपने मायके में बैठी हुई थी। मुर्तजा का मेरे घर पे आना जाना था काफ़ी टाइम से, तो मुर्तजा भाई से मेरी माँ ने ये बोला था अगर कहीं पे मेरी बेटी की नौकरी लग जाए तो आप लगवा देना। तो ये मुर्तजा भाई ने ये बोला कि ठीक है, मैं आंगनबाड़ी में आपकी बेटी की नौकरी लगवा देता हूँ और आप इन्हें मेरे साथ भेज देना। वो मुझे आन के 5 बजे करीब अगवानपुर दरगाह के पीछे ले गए थे। फिर बोले कि सर आ रहे हैं आपकी, मैं अभी बात करा देता हूँ। इतनी देर में वो बोले कि इरफान भाई आ गए हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा बहुत काफ़ी टाइम का मतलब उन्होंने इतना टाइम लगाया कि काफ़ी अंधेरा घुट हो चुका था। वहाँ ले आके एक शख्स ने मेरे कान पे तमंचा रखा और तीनों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मतलब इतनी बदतमीजी करी कि हद पार कर दी सर। और मुझे मारने की धमकी दी कि अगर आपने अपने घर जाके बोला तो मैं आपको जान से मार दूँगा। इसके बिना पर तो आप मुझे सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि इन्हें तीनों को या तो आप ऐसा करो कि जो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर सकती हूँ या जहर खा के मर जाऊँगी। तो आपने जो है थाने पर कितनी बार आ पाई? जी मैं 2 दफ़ा करीब आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो 3 लड़के थे? जी हाँ, मुर्तजा मुझे घर से लेके गए थे बाइक पर बिठा के। बोले कि सर मुझे ले जाके अगवानपुर की दरगाह के पीछे खड़ा कर दिया था, बोले कि वो आ रहे हैं आप यहाँ खड़ी रहो। मुर्तजा ने मुझे उनके बारे में खुद बताया कि इरफान सर आ गए हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। एक लड़के ने मेरे कान पे तमंचा रखा और तीनों ने मेरे साथ में एक एक करके तीनों ने मेरे साथ में बलात्कार किया। जी फिर आपने चिल्लाई? आपने जी मेरी आवाज़ नहीं निकालने दी थी क्योंकि कान पे तमंचा रखा हुआ था सर, मैं कैसे चीख कर चिल्लाती जंगल में। एक ही लड़की बागसा था उसके अंदर वो मुझे एक ने मुँह दबा रखा था मेरा। जी तो बारी बारी से आपका रेप? हाँ जी बारी बारी से तीनों ने मेरे साथ रेप किया है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो सर यही होगा कि या तो आत्महत्या करूँगी या जहर खा के मर जाऊँगी। तो कितनी बार आप थाने पर आई? 2 बार तो आ चुकी हूँ मैं थाने पे। तो थाना ऐसा जो है आपकी सुनवाई कर रहा है? नहीं कर रहा सर, मेरी तो कोई ऐसा लगा नहीं जो मेरी सुनवाई हुई है। जी नहीं, बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपको धमकी आ रही है? हाँ जी मुझे धमकियाँ भी आ रही हैं कि अगर कोई मतलब ऐसा कोई वो करोगी हमारे खिलाफ तो मेरे भाई बंधों के बारे में भी बोल रखा है कि हम उन्हें मार देंगे जान से। तो इसलिए मैं जाके अब किराए पे रहने लग गई हूँ हड़तले में, नए गांव मऊ में जाके हड़तले में नए गांव में। तो आपने डर के मारे अपना घर छोड़ रखा? हाँ जी। तो दूसरा घर पे रहते? हाँ जी मैं किराए पे। डर बना हुआ? हाँ जी डर बना हुआ, शायद अब मार उड़ दें तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। ये थाना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला ने नौकरी के नाम पर बताकर बलात्कार होने की सूचना दी है। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या पता चली है इसमें कितने लोग हैं जो उन्होंने? इन्होंने 2 लोग का नाम बताया अपने अभी। तो ऐसा लेडीज का कहना ये तमंचा रखा था उसके कंट्री का, ये विवेचना का इशू है, उसमें देखा जाएगा क्या क्या तथ्य है
और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।